आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अच्छा वारिस जी, ये बुल्ली डील के मसले पर आप आज कमिश्नर ऑफिस गए थे, क्या कहना है, क्या है? देखिए, न्यू ईयर से एक ये आया है, 1 जनवरी से एक बुल्ली डील्स नाम का, बुल्ली बाई करके एक पोर्टल पे जो गिट हब का है, वहां पर दिखाया जा रहा है कि काफी मुस्लिम महिलाएं जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, पत्रकार है, उनके फोटो डाले जा रहे हैं, उनका ऑक्शन किया जा रहा है। पहले भी गिट हब के ऊपर सुल्ली डील्स चला था, इसी तरह के हमारी महिलाओं के, हमारी माँ बहनों के फोटो को अपलोड किया जा रहा था और उनका ऑक्शन किया जा रहा था। काफी कंप्लेंट हुई मगर कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं हुआ इसकी वजह से अभी ये बुल्ली बाई बुल्ली डील्स चालू कर दिया है लोगों ने। तो हमने आज पुलिस कमिश्नर साहब के पास एक निवेदन दिया, हम ज्वाइंट चीफ कमिश्नर को मिले, हम ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से मुलाकात की, कमिश्नर साहब से मुलाकात की, हमने कंप्लेंट की कॉपी दी कि सर ये जो गिट हब है इसको बंद करने से ये नहीं रुकेगा, इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, उनकी जगह सलाखों के पीछे ये दरिंदे, ये हमारी माँ बहनों की इस तरह से इज्जत उछालने किसी को अधिकार नहीं है। देखिए, उन्होंने मुसलमान हमारी महिलाओं के फोटो डाले, हिंदू महिलाएं भी जो हमारी माँ बहन है उनकी भी पूरी इज्जत करते हैं, हम तो चाहते हैं किसी भी महिला का अपमान ना हो, मगर इस तरह से किसी महिला के फोटो को आप डाल के ऑक्शन करना, ये तो पूरा तरह अपमान है। तो हमने काफी मुख्तलिफ सेक्शन बताए उनको और CP साहब, कमिश्नर, ज्वाइंट CP साहब सबने हमको आश्वासन दिया है कि हम FIR करें और हम बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। मैंने कहा FIR से पूछे अरेस्ट करिए, ये अरेस्ट होंगे तो आगे से ऐसा नहीं होगा। तो हमको आश्वासन दिया है कि हम अरेस्ट करेंगे, बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से इस केस को फॉलो अप कर रही है और जब तक ये दरिंदे अरेस्ट नहीं होंगे हम लोग पीछे लगे रहेंगे इनके, और हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, ये दरिंदे हैं, जो ये लोग जो हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनको अपमानित करते हैं, वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे हम खामोशी से नहीं बैठेंगे और हम हमारा प्रयास जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं ARP।